हेलो फ्रेंड्स, ये है आगरा सिटी। इस नाम को तो आप बखूबी जानते ही होंगे। आज इसके ऊपर देखते हैं एक शानदार व्लॉग। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ट्रेन आगरा के लिए रवाना हो चुकी है। हाँ, ये ट्रेन पैसेंजर है क्योंकि इस टाइम पर हमें यही मिली। तो ये काफ़ी धीरे चलती है फ्रेंड्स, देख सकते हैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ खाने पीने का काफ़ी टाइम मिल गया। एकदम भरपेट खाना खाने के बाद भी ये ट्रेन अभी तक आगरा पहुँची नहीं है, और इसीलिए थोड़ा सोचा ला बाहर का सीन रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो हमने ये थोड़ा सा सीन रिकॉर्ड कर लिया। आप देख सकते हैं इन बॉक्सेस में क्या होता है, हमें पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। ये कुछ बिल्डिंग है, पता नहीं इनमें कोई रहता है कि नहीं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, स्टेशन पर उतरते उतरते आ गई है एक पेट्रोल से भरी गाड़ी। तो दोस्तों, ये ट्रेन जो है पूरी तरह से पेट्रोल से लबालब भरी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल फैल भी गया है। तो मुझे लगता है अगर इस ट्रेन को पूरा खाली कर दिया जाए तो लाल किले का जो कुआं होता है वो तो लबालब भर ही जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में, ये भी ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो ये ट्रेन भी काफ़ी लंबी है दोस्तों। देखिए कितने डिब्बे निकल गए हैं, कितने अभी निकल रहे हैं और कितने अभी पीछे बाकी हैं। तो मैं अंदाज़ लगा सकता हूँ ये कम से कम 50 डिब्बों की ट्रेन तो होगी ही। हाँ, वैसे आपको क्या लगता है ये कितने डिब्बे की ट्रेन होगी, हाँ ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना। चलिए, ट्रेन पूरी निकल चुकी है। हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आप स्टेशन से बाहर निकलने का एक छोटा सा शॉर्टकट समझ सकते हैं। यहाँ पर हमें क्रॉसिंग के लिए, यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं इन्होंने कह दिया था आप क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पर अभी कोई सी ट्रेन नहीं आने वाली है। और ये वो ट्रेन है जिससे हम यहाँ पर आए हैं। बहुत स्लो चलती है भाई। ओ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा रश मौजूद है। तो हमें जामा मस्जिद तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन हम पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये मार्केट लगा हुआ है और हम पहुंच रहे हैं सीधे जामा मस्जिद के मेन गेट पर। अभी हम दोस्तों देखिए पहुंच चुके हैं शाही जामा मस्जिद। तो अब इसका हम पहला आपको नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। तो ये देखिए इसका पहला नज़ारा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कर लो नज़ारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मज़ेदार शानदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर आज़ान शुरू हो चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, आज़ान हो चुकी है। अब मैं आपको इस जामा मस्जिद की बहुत ही ख़ास और रोमांचक बात बताता हूँ। ये स्टेशन से भी बिल्कुल इतनी ही बड़ी दिखाई देती है। तो ये देखिए, ये
ये रहा हमारा स्टेशन, कुछ समझे? ये स्टेशन के बिल्कुल पास में मौजूद है। और एक और ख़ास बात बताऊं, ये आप देख पा रहे हैं, ये है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। ये भी बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने मौजूद है, यानी कि दोनों के बीच में रेलवे स्टेशन है और उनके बीच में एक बाजार भी है। आगरा की जामा मस्जिद एक विशाल मस्जिद है जो शाहजहां की पुत्री शाहजादी जहांरा बेगम को समर्पित है। इसका निर्माण 1648 में शाहजहां की पुत्री जहांरा बेगम ने कराई थी, जो यह अपने मीनार रहित ढांचे तथा विशेष प्रकार के गुंबद के लिए जानी जाती है। जामा मस्जिद का निर्माण 1571 में अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था